नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड कारपेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वीराज चौहान मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों बिना देखते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पृथ्वीराज चौहान मूवी, जिस मूवी को डायरेक्शन देने वाले है चंद्र प्रकाश त्रिवेदी और इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाले हैं आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स के बैनर तले। वहीं पृथ्वीराज चौहान मूवी की स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसमें हमें अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर उनके साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर देखने को मिलेगी। अक्षय कुमार की वाइफ बनी हुई देखने को मिलेगी मानुषी छिल्लर। अक्षय कुमार इस मूवी में पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाने वाले है। वही मानुषी छिल्लर की बात की जाए तो वो संयुक्ता का किरदार निभाने वाली है जो पृथ्वीराज चौहान की वाइफ थी। वही ये पृथ्वीराज चौहान मूवी एक सत्य घटना पर आधारित रहने वाली है। भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के योगदान को कोई नहीं भूल सकता। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के क्षत्रिय राजा थे जो 12वीं शताब्दी में अजमेर और दिल्ली पर राज करते थे, जिन्होंने मोहम्मद गोरी से लोहा लिया था। अब ऐसे क्षत्रिय राजा का किरदार अक्षय कुमार निभाने जा रहे हैं, यानी कि ये बायोग्राफिकल मूवी रहने वाली है और ये मूवी ऐतिहासिक घटना पर रहने वाली है और ये मूवी एक्शन से भरपूर रहेगी। और इस मूवी में अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर के अलावा संजय दत्त, आशुतोष राणा, मानव विद, निकिता चड्ढा, साक्षी तंवर, मनोज जोशी, गोविंद पांडे और सोनू सूद भी देखने को मिलेंगे। वही स्पेशल अपीयरेंस में हमें सोनू सूद देखने को मिलेंगे। अक्षय कुमार इस मूवी के अलावा सूर्यवंशी मूवी भी लेकर आ रहे जो उनकी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। इसके अलावा सारा अली खान और धनुष के साथ वो अतरंगी रे मूवी लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों अक्षय कुमार की आप अतरंगी रे, सूर्यवंशी और पृथ्वीराज चौहान ये तीन फिल्मों में से कौन से देखना पसंद करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे।